आज की नई जर्नी स्टार्ट है और आज हम लोग फिर से वही कांगड़ा की तरफ जा रहे हैं, तो हम सोचे कि क्यों ना आप लोगों से बात करते हुए चलें। वैसे भी ब्लॉगिंग ज़्यादा आता नहीं है, बस टाइम पास, थोड़ा वीडियो शूट हो जाए, यूट्यूब पर वीडियो चला जाए और क्या, और आस्ते आस्ते सीख भी जाएंगे करते करते। क्या शिवम, करते करते सीख जाएंगे ना? क्या इतना देर में बात कर रहा था, सुन नहीं रहा था तुम? हाँ, शिवम क्या बोलते हैं, पैसा? तो लगता है कि बाइक, अगर स्कूटी हो या बाइक हो, आप बस थोड़ा सा चलाकर छोड़ दो, गाड़ी का स्पीड अपने आप बढ़ते रहेगा। यहाँ पर आप देखोगे मैं एक्सीलेटर नहीं लूँगा और फिर भी गाड़ी चल रही है, क्योंकि बहुत ऊंचा है जगह, इसलिए न्यूट्रल में तो और चल जाएगा, लेकिन न्यूट्रल में चलाना नहीं चाहिए, गाड़ी आगे पीछे रहता है ना, तो फिर वो प्रॉब्लम करता है। और इसमें न्यूट्रल कहाँ से आएगा बच्चे, ये गियर वाली थोड़ी ना है। हाँ नहीं, अभी तो लग रहा है आगे उधर ले लेंगे। आप अगर देख पा रहे होंगे सामने का नजारा, उस गजब का, लेकिन डर भी लगता है। ये छोटी सी मोड़ पर दिखता कुछ नहीं है, ये वाला मोड़, ये कट बड़ा खतरनाक लगता है। ये अगर उधर से गाड़ी आ रहा है तो और ज़्यादा खतरनाक। मंकी तो बहुत सारा यहाँ रहता है, ये मंकी सब शिवम का दोस्त है। नहीं शिवम, ग्लव्स है उसमें रखा हुआ है, मैंने ग्लव्स रख दिया है, कैप रख दिया है। हाँ जी, पीछे पुलिस आ रही है, इसको तो पुलिस से ही डर लगते रहता है, जहां देखेगा पुलिस वहीं पर पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, पुलिस आ रही है, तो क्या हो गया, पुलिस आ रही है तो पुलिस अपना काम करेगी, हम अपना काम करेंगे। अगर हम गलत हैं तब पुलिस कुछ बोलेगी ना, गलत नहीं रहेंगे तो क्यों बोलेगी। ओ, सीट बेल्ट लगाने के लिए बोल रहा है, सीट बेल्ट नहीं लगाना है इसमें, हेलमेट लगाना है, स्कूटी में सीट बेल्ट नहीं लगाना है बच्चे। जो पहाड़ के राइडर्स हैं वो इतना स्पीड में गाड़ी निकाल लेते हैं कि क्या बोले, और हम लोगों को तो भाई ये छोटा सा भी स्पीड टालने में डर लगता है, खास करके किसको क्या नहीं पता, नहीं मुझे डर लगता है। एक चीज़ तो हिमाचल में बहुत ज़बरदस्त मुझे लगा कि इतना दूर अगर हम बाइक राइड करते हैं, 15-20 किलोमीटर अगर बाइक राइड किया, तो हमारे कोलकाता में पूरा हाथ मुंह पूरा गंदा हो जाता है इस तरह से, पूरी तरह से, कि अगर जैसे अगर मैं न्यू टाउन की तरफ जाता हूँ कोलकाता में, तो क्या होता है, पूरा ऊपर का जो जितना ये है जैकेट है पूरा धूल से भर जाता है, और वो चीज़ इधर मुझे अभी तक देखने को नहीं मिला है, हो सकता भी है लेकिन अभी तक मुझे देखने को नहीं मिला। वैसे मैं एक दो दिन ही राइड किया हूँ। एक चीज़ यहाँ पर हम देखे हैं कि मतलब कितना बड़ा भी मोड़ हो, मतलब बहुत सारी गाड़ियाँ जा रही हैं, लेकिन जो रेड लाइट या ग्रीन लाइट या येलो लाइट ऐसा कुछ भी देखने को अभी तक नहीं मिला मुझे, मतलब सिग्नल का तो यहाँ पर नाम मुझे नहीं दिख रहा है। कभी कभी पुलिस दिख रहा है कि मोड़ पर पुलिस, ट्रैफिक पुलिस इसको साइड कर रहे हैं, लेकिन लाइट वगैरह नहीं दिखा। एक तरह से देख भी रहे हैं, बड़ा बड़ा मोड़ भी है, लेकिन फिर भी उस तरह से जाम नहीं हो रहा है कि जैसे अपने वहाँ पर 5-10 मिनट वेट कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, अभी तक सिग्नल खुला नहीं, तो ऐसा टाइप का कुछ भी नहीं।
अभी मैं भूल गया था रास्ता ही, मुझे अभी मैं लेफ्ट साइड में जाने वाला था, फिर याद आया मोड़ को देखकर कि नहीं हमें राइट साइड जाना चाहिए। और स्कूटी में कभी कभी मैं क्या कर दे रहा हूँ ना, बाइक जैसा पैर रख दे रहा हूँ, मतलब पीछे की तरफ ऐसे कर, फिर याद आ रहा है नहीं ये तो ये है। और गाड़ी जब भी रोकने पर लग रहे हैं तब गियर डाउन करने का पैर जा रहा है, ब्रेक लगाने का मन कर रहा है। कर क्या रहे हो शिवम तुम, हर वक्त गेम डाउनलोड करते रहते हो। वो वाला क्या किया, पहले वाला डाउन जो गेम था हा? पहले वाला गेम क्या किया? शिवम दूसरा वाला गेम क्या किया? क्यों और सुबह में बोल रहा है पापा आप और मम्मा ना मुझे उल्लू बनाते रहते हो। अच्छा नहीं है तो ये वाला पकड़ो ना साइड में हैंडल, जहाँ उसको पकड़ के उतरो। चढ़ाने के लिए ये आए थे सर्विसिंग करवाने, सर्विसिंग हो गया। हॉर्न बजा के दिखाओ शिवम, गाड़ी तो ऑन करो पहले। हाँ? गाड़ी ऑन करो। कैसे? चाबी से। हाँ रुक जाओ, वेट करो वेट करो, अब हॉर्न बजाओ। कहाँ बज रहा है? तो अभी हमारा सर्विसिंग यहाँ पर हो गया और सर्विसिंग करवाने के बाद चल रहे हैं अपने रास्ते की तरफ। क्या शिवम? हाँ अभी बजाना नहीं है। हाँ रियाज है, हम लोग पहले भी गुजरे थे लेकिन हम लोगों को पता नहीं था कि यहीं पर सर्विसिंग होता है, इस कारण से सर्विसिंग करवाए नहीं। चलाने में क्या चेंज करेगा, इसने क्या सर्विसिंग किया है? वो तेल डाला है और ब्रेक टाइट किया है और क्या सर्विसिंग किया है? और एक हॉर्न बहुत देर बाद बोलने के बाद बजा। अब थोड़ा सा सुकून है कि हॉर्न तो बज रहा है। एक और चीज इसमें देख रहे हैं प्रॉब्लम है, जो पासिंग का देता है ना, पासिंग चार्ज मांगते हैं, तो उसमें ये क्या किया है ऊपर में दे दिया है अप्रिलिया में। और बाइक वगैरह में सामने में रहता था, एक उंगली ये पर रहता है पासिंग में और एक उंगली आपका इसमें रहता है, तो दोनों काम हो जाता है, हॉर्न भी बज जाता है और पासिंग भी मांग लेते हैं। और इसमें तो वो चीज़ है ही नहीं, ये ऊपर में है। मत बजाओ आगे गाड़ी रहती है इसलिए हॉर्न बजाना चाहिए। अच्छा जी क्लासेस बहुत सारे थे चल रहे थे और यहाँ पर बिना क्लासेस के घर में बैठे 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 सर दर्द हो गया। खाना पीना सोना घूमना सब, खाना पीना सोना घूमना, यहाँ पर आकर लगता है कि घूमना ज़्यादा घूमना लोगों को अच्छा नहीं होता। पहले लगता है कि जब आप काम ज़्यादा करते रहते हैं तो लगता है कि छुट्टी हो तो थोड़ा अच्छा रहेगा, छुट्टी ज़्यादा हो जाता है तब लगता है कि ना काम ही ठीक है, ये छुट्टी होकर बेकार है। वालों ने नटका गोली मारा, एडले 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 बंदरा। बंदरू बंदरा। मंत्र
ये सबसे जगह खराब जगह, मुझे एकदम बकवास जगह यही लगता है, इतना मूड कर आता है। और कल परसों हम लोग गए थे जो उधर, वो सबसे खतरनाक था क्या, पूरा एकदम खड़ा, एकदम खड़ा लगा के गाड़ी पीछे की तरफ उल्टा। तो देखो टीवी चल रहा है शिवम, टीवी क्या देखा ही नहीं तुम, क्या चल रहा है, टी का बी शिवम डरा नहीं तुम, क्या 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 जी? अब हाथों में ठंडा लगने लगा थोड़ा थोड़ा, नहीं ये पॉकेट में डाल लो ना हाथ, हाँ? ये कुछ अलग जगह लग रहा है नहीं देखने में, नया गांव बसा हुआ है। एक बार ऐसे ही ऊंचाई आया था, मैं जोर से चलाया उड़ गया पूरा गाड़ी, उड़ा लेकिन भाग अच्छा था, गाड़ी एक जगह पर जाकर बैठ गया, मतलब चलने लगा। अगर हल्का सा बैलेंस बिगड़ता तो जय सिया राम। फिर हम लोग गाना गाते, जय सिया राम बोलो जय सिया राम जी। नहीं था। तुम जब छोटा था तब तुम स्कूटी जोर से चलाता था, हाँ। अभी तुम बड़ा हो गया है, हाँ। मम्मा को उधर। फिर से एक चैलेंज आया है कि ये जो ऊंचा है, इधर आप ऊंचा देख रहे होंगे, इससे ज्यादा आगे ऊंचाई है, तो चढ़ाने का चैलेंज आया है। इसलिए रितिका इसकी मम्मी पैदल जा रही है और हम लोग चढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, देखते हैं चढ़ता है कि नहीं चढ़ता है। बैठोगे, कोशिश करते हैं, बैठो देखते हैं, जल्दी बैठो लेकिन ना हेलमेट लगा लो, गिरोगे तो कम से कम चोट। कुछ ज्यादा ही खड़ा जैसा है, नहीं मुझे डर लग रहा है। बैठो ना जल्दी, रुकेगा गाड़ी तो प्रॉब्लम होगा, नहीं रुकेगा तो मुझे लगता है चला जाना चाहिए। जय सिया राम, जय सिया राम बोलो, जय श्री राम, जय श्री राम। ये चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया चढ़ गया शिवा, लेकिन सोचो पूरा एक्सीलेटर देने के बाद कितना स्पीड में जा रहा था, 20 का। वो पूछ लो ना यहीं पर तो है, उनका नाम पूछ लो, वो भैया यहीं पर है, नाम पूछ लो। ऊपर का नजारा देखिए, ऊपर का ये देखो पहाड़ों का नजारा, ऊपर बिना मतलब का मत बजाओ, मुझे लग रहा है कोई आ रहा है पीछे से। कितना सुंदर लग रहा है ऊपर, नहीं शिवम ऊपर में पहाड़ में कितना सुंदर लग रहा है, नहीं वो बर्फ है, बर्फ है, हाँ, पानी है, पानी। ये अजय देवगन को देखो जुआ केसरी कर रहा है, नहीं आया तिरुवामूर, तिरुवामूर। अरे देख नहीं रहे हो ये टेढ़ा मेढ़ा रास्ता, ये मोड़ देखो खतरनाक है ना,
ये वाली मोड़ बहुत खतरनाक है, नहीं कुछ भी दिख नहीं रहा है, तो इसलिए सामने कांच को देखते हुए आगे बढ़ते जाएंगे, टी टी करते जाएंगे, टी टी करते जाएंगे, क्या? हाँ। जी थ्री जीरो मतलब क्या है, 30 के स्पीड से ज्यादा गाड़ी यहाँ पर ना चलाएं। तो 30 से ज्यादा चला नहीं रहा होगा ना, क्योंकि वहाँ पर 30 से ज्यादा चला भी नहीं सकता। मोड़ पर कितना स्पीड चलाओगे? हाँ ठीक है, फोन कर लो ना, या तो रुक जाएंगे। देखो इसका हाथ कितना ठंडा हो गया, मेरा हाथ तो ठंडा है ही, उसके ऊपर से इसका हाथ ठंडा लग रहा है, और ये बंदर है, पॉकेट में हाथ डालो। हाँ ये बच्चे घूमने जा रहे हैं, घूमने घूमने जाएंगे, शिवम को पिटाई कर देंगे। क्या हुआ? लग गया तुम, चालो ऐसा है लगेगा, चाल चलन खराब रहने से ऐसे ही हो। काहे के लिए ब्रेक मार रहा है जी? Yeah.